दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस YouTube ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्सेलेंस VVMR के साथ कंप्लीट SQL क्वेरी। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि SQL सर्वर को कैसे इंस्टॉल करोगे। सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाइए और SQL एक्सप्रेस एडिशन को डाउनलोड कर लीजिए, या कोई भी और भी बहुत सारे डाउनलोड पोर्टल है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जिसे ओपन करेंगे तो उसको आपका ISO में होगा, और उसको आप राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिए ताकि फोल्डर बन जाए। उसके बाद उसके सेटअप पे डबल क्लिक करके ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद ये आएगा। इसमें सबसे पहले ऊपर आपका प्लानिंग होता है, जिसमें आपने हार्डवेयर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट को और बाकी डॉक्यूमेंट और बाकी चीज़ को चेक कर सकते हो। लेकिन इंस्टॉलेशन में जब आएंगे तो यहाँ पे आएगा इंस्टॉल न्यू सर्वर स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन एंड ऐड फीचर एंड एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन, इस पर क्लिक कीजिए। थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करता है इंस्टॉलेशन में, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें आप। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट लाइसेंस को करें। नीचे आप डेट को करना चाहते हो कर सकते हो, करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट करें। एक ग्लोबल रूल को चेक करेगा कि आपका सिस्टम है कि नहीं है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट अपडेट रखना है तो ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। उसके बाद ये इंस्टॉल रूल है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये इंस्टॉल रूल में देखता है कि ये आपका जो लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आप यूज कर रहे हो, जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो फिट है या नहीं है इस इंस्टॉलेशन के लिए। अब इन्होंने रूल को पास कर दिया। उसके बाद यहाँ से इसके सर्विसेज है, डिफॉल्ट इसने कर दिया, लेकिन आपको भी जो चाहिए वो भी कर सकते हो। फिर इसको आप नेक्स्ट करें। उसके बाद ये आपका सर्वर नेम है। इस सर्वर नेम को आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने IPT कर दिया, और यहाँ भी आप IPT ऑटोमेटिक आ जाएगा और आपको नेक्स्ट कीजिए। डिफॉल्ट आपका जो है SQL एक्सप्रेस करके आता है, तो यू कैन चेंज द हेयर। उसके बाद ये आपके सर्वर के सारे हैं, किसको नेगेटिव करना है, किसको डिसेबल डिसेबल करना है, किसको मैनुअल करना है, यू कैन यहाँ आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसको नेक्स्ट कीजिए। अब आपके पास जो आता है सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस, इसमें आप जो है पासवर्ड सेट कर सकते हैं कि आप ओपन करते समय बिना पासवर्ड के विंडो ऑथेंटिकेशन भी करना चाहते हैं, या फिर यू कैन सेट द पासवर्ड। यहाँ पे आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। दूसरा, किस यूजर के लिए आपने इसको अलाउ किया, जैसे एक पर्टिकुलर यूजर ही इस एक्सेस को इसको एक्सेस कर सकते हो, तो यहाँ पे यूजर को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे मेरा HP जो डिफॉल्ट लॉगिन है G1, उसको सिलेक्ट है। आप यहाँ हम कुछ और भी करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से ऐड यूजर पे क्लिक करके हम अपने यूजर को ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर, मतलब कि सर्वर को इंस्टॉल करके और सर्वर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं कि ओनली फॉर कॉन्फ़िगर, तो जनरली हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर दोनों करते हैं। नेक्स्ट। अब ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस को चलेगा और ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा कंप्लीट होने में, तो वेट करते हैं। चलिए, तो
यहाँ पे विश्लेषण कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा टाइम दिया आधे घंटे का और इसने कंप्लीट कर दिया, सारे सेटअप कंप्लीट कर दिया, कोई एरर नहीं है। उसके बाद इसको हम क्लोज करते हैं, उसके बाद इसको भी क्लोज कीजिए। अब बात करते हैं कि इसको हम ओपन कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप अपने स्टार्ट मेनू में जानिए और आप एसक्यूएल सर्च कीजिए, एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो। तो आपको डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, डेटाबेस को यूज करने के लिए एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो को यूज करना। इसको ओपन करेंगे तो आपका एसक्यूएल सर्वर ओपन होगा। और ये भी ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। ये आपका आ गया और यहाँ पे आपका पाथ है और ये आपका सर्वर नेम है। अब आपने अगर इंस्टॉलेशन करते समय अगर आपने पासवर्ड डाल रखा है तो यहाँ पे इसके ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा और यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ेगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो जस्ट हम कनेक्ट करेंगे और मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा और ये हमारे डेटाबेस की पूरी एक्सेस मिल जाएगी। अब डेटाबेस में क्या कैसे करते हैं इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बनाएंगे कि हम डेटाबेस कैसे बनाते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम आपके साथ अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर आपको एसक्यूएल सर्वर सीखना है तो मुझे कॉल कीजिए, मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे उसको लेके कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।